हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल पे। सो आज का टॉपिक आप देख पा रहे हो, व्हाट टू डू व्हेन यू फेल टू सेट अ पिन ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्या करें जब आपने बहुत बार ट्राई किया पिन सेट करने का लेकिन सेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे कार्ड नंबर नहीं दिखा रहा है। तो आज का टॉपिक जो है वो प्राइमरी कार्ड के लिए भी है एंड ऐड ऑन कार्ड के लिए भी है। कुछ लोगों को प्राइमरी कार्ड का पिन वगैरह तो सेट करने आ जाता है लेकिन जो ऐड ऑन कार्ड है उस पर नहीं आता है, क्या करें वहाँ पर। तो लोगों को पता नहीं रहता, अवेयर नहीं होते। सो अगर आप थक चुके हो मल्टीपल टाइम्स ट्राई करके पिन सेट करने में, अगर आपको कोई इश्यू फेस हो रही है, सो ये वीडियो आपके लिए है। सो जानिए इसे मेरे साथ में, नो इट विथ मी, आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू रिगार्डिंग दैट। सो बेसिक सी नॉलेज है, किसी भी कस्टमर को जिनको नया क्रेडिट कार्ड मिला है उनको पिन सेट करने में इशू हो रही है। वैसे तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, नेट बैंकिंग में जा करके, जो नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, हर कोई नेट बैंकिंग यूज़ करता है। इनकेस नहीं भी यूज़ करते हैं तो नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं या फिर एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं पिन सेट करने के, या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से अगर आप करते हो तो वहाँ पर आपको 6 डिजिट का जो OTP आता है कार्ड के साथ में, वो एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ पर जस्ट आपको कार्ड में जाना होता है, कार्ड में जा करके रिक्वेस्ट में जाइए, क्रेडिट कार्ड सेक्शन में। रिक्वेस्ट में जाने के बाद आपको दिखेगा वहाँ पे इंस्टेंट पिन जनरेशन, सो वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। देन वहाँ पे आपको कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर रहेगा। एंड उसके बाद में आपको वहाँ पे जो भी आपको पिन सेट करना होगा वो पिन टाइप करना है, दो बॉक्सेस के अंदर सेम पिन टाइप करना है। देन कन्फर्म करना है, एक OTP आएगा, OTP फिल करना है, वापस से कन्फर्म कर देना है। सो आपका पिन सेट हो गया। ये इजी सा ऑप्शन है नेट बैंकिंग से। अगर आपका नेट बैंकिंग से नहीं हो रहा है तो आपके पास जो 6 डिजिट का OTP आया है मैसेज में, आप ATM में जाइए, पहले अपना कार्ड डालिए, क्रेडिट कार्ड डाल करके इंग्लिश ऑप्शंस वहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। एंड देन वहाँ पर आपको दिखेगा एंटर OTP। मैंने देखा है कि कस्टमर्स वो रीड ही नहीं करते कि एंटर OTP। आज ही एक कस्टमर आए थे, उन्होंने क्या किया, मतलब इट मीन्स उन्होंने बस मोबाइल नंबर एंटर किया। ये आज की बात नहीं, इसके पहले भी एक कस्टमर आए थे, उनका भी सेम इशू था। लोग पढ़ते ही नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ क्या है, पहले उनको OTP एंटर करना होता है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। ये प्रॉपरली वहाँ पे ऊपर मेंशन रहता है। तो पहले आपको कार्ड नंबर डाल, इट मीन्स इंसर्ट करके इंग्लिश का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेट पिन सेलेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे OTP एंटर करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको वहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन आएगा, आप 2 बार पिन सेट कर लीजिए 4 डिजिट का, जो भी आपको रखना है। ये सेकेंड ऑप्शन है। सो अगर जिन कस्टमर को ये सारे ऑप्शन पता है फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने बहुत बार ट्राई कर लिया है, ऐसे कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने OTP नहीं डाला, बस मोबाइल नंबर डाल के चेक किए जा रहे हैं, तो इस केस में कार्ड जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन नसीब से उन कस्टमर का वो कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ। देन क्या कर सकते हैं इस केस में? इस केस में हमारे पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होता, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ब्रांच वाले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नंबर पे कॉल करना है। ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट नंबर पे कॉल करना है, जो नॉर्मल हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी कॉल कर सकते हो। लेकिन उस पे कॉल करोगे तो वो जो IVRs चलते हैं पता नहीं कब कनेक्ट होगा, क्यू में रहेगा। इसलिए हम जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं, जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड जिनके पास दोनों होता है, उनको हम डायरेक्ट नंबर देते हैं, जिससे बिना किसी IVR के, बिना किसी लाइनिंग के उनको डायरेक्टली कॉल कनेक्ट हो जाए। सो मैं आपको नंबर बता देती हूँ आपको किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर फॉर क्रेडिट कार्ड आपको दिख रहा है, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर 02-2-6160-6118। सो जितने भी कस्टमर ब्रांच में विजिट होते ना ये क्रेडिट कार्ड की इशू के लिए, अगर हमें कुछ सोल्यूशन नहीं पता होता, क्योंकि हमें सोल्यूशन नहीं पता होता है ना, बिकॉज हमें ये सिस्टम तो दिया नहीं जाता है कि वो सिस्टम से चेक कर ले, तो ये क्रेडिट कार्ड का जो भी प्रॉपर सिस्टम होता है ये कॉल सेंटर वालों के पास होता है, कस्टमर सर्विस के पास होता है। तो ये डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है 02-2-6160-6118। एंड आपको क्वेरी पूछनी है कि ये कार्ड मेरा पिन जनरेट करने के लिए मैं गई या गया, एंड वहाँ पे मुझे कार्ड शो नहीं हो रहा। अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करो कार्ड शो नहीं हो रहा तो आपका पिन सेट नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, आपको अगर आपका नया कार्ड आया है तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स का वेट करना होता है, उसके बाद ही आप पिन सेट कर पाओगे नेट बैंकिंग से।
अगर आपका एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, फिर भी आपका कार्ड शो नहीं हो रहा, तो आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा एंड उन्हें बोलना होगा कि आपका ये इशू है, पिन सेट करने को आप ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। तो वो भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे कॉल करो, IVR में जो जो पूछेंगे वो टाइप करना, वहाँ पे आपका पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा, वो भी बता देना, वहाँ से हो जाएगा। तो जो सेकंड नंबर वो देते हैं वो ये है, पिन जनरेशन नंबर फॉर प्राइमरी कार्ड ओनली। सो मैंने प्राइमरी कार्ड ओनली क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो नंबर होता है ये आपको तब यूज़ में आता है जब आपका बस प्राइमरी कार्ड है। अगर एड ऑन कार्ड है तो एड ऑन कार्ड के लिए ये नंबर किसी यूज़ में नहीं है। एड ऑन कार्ड के लिए जो मैंने पहला नंबर बताया ना, डायरेक्ट नंबर, उसे पे कॉल करके बोलना है कि आपका एड ऑन कार्ड है एंड आपको आपका जो पिन है एड ऑन कार्ड का, OTP वगैरह आपने ट्राई किया नहीं सेट हो रहा है, या फिर OTP का जो डेट है वो एक्सपायर हो गया है, बिकॉज जो छोटे 6 डिजिट का OTP आता है उसका कुछ डेट होता है, अगर आपने डेट के अंदर उसे पिन सेट नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपको नया OTP चाहिए तो आपको डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, यानी कि ये 02261, इस पे एड ऑन कार्ड के लिए इस पे कॉल करना है, उनको बोलना है कि मेरा जो पिन है वो एक्सपायर हो गया, फिर नहीं वर्क कर रहा है ट्राई करने के बाद, तो वो आपको एक नया OTP सेंड करेंगे। सो नया OTP सेंड करने के बाद में आपको वो ATM में जाकर के ट्राई करना है, सो हो जाएगा, नॉर्मली बेसिक सा प्रोसेस है। एंड जो प्राइमरी कार्ड का होता है उसके लिए आपको ये नंबर काम में आता है, जो है 1860266033। इस नंबर पे आपको कॉल करना है एंड IVR में जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। इट मींस नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन होता है, 1 प्रेस करो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, एंड उसके बाद में पिन जनरेट करना है तो 1 नंबर प्रेस करो। मैं ये IVR एक्सटेंशन प्रॉपर नहीं बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं है प्रॉपर, आपको वो बताएंगे कि ये करने के लिए ये करो, नॉर्मली लोगों को पता होता है। एंड वहाँ पे आपका कार्ड नंबर भी एंटर करना पड़ेगा, हैश की डालना है, उसके बाद में आपका जो OTP आएगा वो OTP भी सेंड करते हैं उसी टाइम पे जब उनका कॉल चालू रहता है, आपको बोलेंगे कि OTP एंटर करो एंड हैश दबाओ, OTP एंटर करके हैश दबाना है, उसके बाद में वो आपको बताएंगे कि आपका पिन सेट करना है, उसी कॉल पे आपको पिन सेट करना है। इट मीन्स आपको फ़ोन लिए रहना है, चालू रहेगा IVR में, उसके साथ साथ आपको अपना जो भी आपको पासवर्ड रखना है 4 डिजिट का वो दो बार एंटर करना है। दो बार यानी कि तुरंत एंटर मत कीजिएगा, एक बार एंटर करो, उसके बाद वो खुद बोलेंगे एक बार और एंटर करो, सो एक बार और एंटर करना है, देन आपका पासवर्ड पिन जो भी आप बोलते हो वो सेट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस इतनी सी चीज़ के लिए कस्टमर्स परेशान हो जाते हैं, ब्रांचेस में विज़िट करते हैं, एंड अगर जो न्यू एजेंट होते हैं वहाँ पे उनको भी नहीं पता होता, जैसे कि मैं भी जब न्यू थी तो मुझे भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या करना होता है, देन कस्टमर और आइरेटेड हो जाते कि क्या इशू है, किसी को नहीं पता क्या करना है। तो ये जो मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया है, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर, ये ना ही क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करने के लिए, अगर आपको कोई भी इशू है कोई भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, सो आपको जस्ट 02261 ये डायरेक्ट नंबर पे कॉल करना है एंड उनसे क्वेरी पूछनी है कि ऐसा है तो अब क्या करें इस पे, वो आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे एंड आपको गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।